हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, मोदी या नेहरू कौन है असली डिक्टेटर? डॉक्टर आनंद रंगनाथन, और हम देख रहे हैं ये रौनक का पॉडकास्ट, और इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, वो ज़रूर देख लेना, इसी चैनल के अंदर होगा, बहुत ही मज़ेदार है। एंड दिस गाय, मैंने हम लोगों ने इनका पहली बार ही देखा है एंड फैंटास्टिक लग रहा है जिस तरह से इंटरव्यू चल रहा है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि हम MSP बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारे पास 100 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन है, हमारी बफर कैपेसिटी सिर्फ 30-35 मिलियन टन्स है, 4 times एक्स्ट्रा हमने FCI गोडाउनों में डाला है जो चूहे खा रहे हैं। करेक्ट। लेकिन हम फिर भी फार्मर्स को ज्यादा MSP दे जा रहे हैं। किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि सच बोले। फार्म लॉस पे हम आगे आके बात करेंगे, लेकिन वही है, जब सरकारों को डर लगता है जी तो फिर देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये सिचुएशन है। तो आप सरकार धंधा ना करे बट लोग अच्छे से धंधा कर पाए, इसके लिए माहौल ऐसा बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसमें आपने इतनी बड़ी लिस्ट बताई कि फिर आदमी धंधा करेगा कैसे? क्योंकि उसी से जुड़ा फिर एक अगला सवाल दिमाग में आता है आनंद सर, कि क्या इसीलिए भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं बन पाते, या लोग भारत से बाहर जाकर बड़े पदों पर होते हैं, बड़ी कंपनियों के CEOs बन जाते हैं, भारत में नहीं बन पाते, या फिर ऐसा नहीं है, अब वो चेंज हो रहा है? धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट। अगर आप हमारी कंपनीज को देखें, वर्ल्ड बीटिंग कंपनीज हैं, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं वही कहता, अब जैसे मैं कहता हूँ कि PSU लॉस मेकिंग है, तो आप PSU को लॉस मेकिंग बोल रहे हैं? सॉरी टू इंटरप्ट, बट अभी आप बोलेंगे कि अगर लॉस मेकिंग है तो उसको हटा दो। यस। फिर आप JNU में भी रहते हो? देखिए, एजुकेशन का मैंने पहले ही वो कैवियट डाल दिया था जी, कि अपना जॉब बचाने पर बहुत लोग इस बारे में उनको क्लैरिटी नहीं है। जैसे आप कहो कि भैया ये एयरलाइन बेच दिया या ये बैंक बेच दिया या कुछ भी बेच दिया सरकार ने, तो उस पर अचानक से वो आक्रोश आ जाता है। सो वो अनइन्फॉर्म्ड आक्रोश है, उस पर आपका क्या कमेंट? क्योंकि सरकारें ही वो आक्रोश लाती है। मैंने कहा कि मोदी जी ब्लेस्ड हैं। क्यों ब्लेस्ड हैं? इसलिए नहीं कि वो अच्छी पॉलिसीज ला रहे हैं, ये भी है, रीजन है इसका भी ऑफकोर्स। इसलिए कि जो चीजें, जो वो एंटी नेशनल स्टेप उठाते हैं मोदी जी, उसमें ऑपोजिशन उनको बैक करता है। अच्छा। अब एग्जाम्पल फार्म लॉस को रिपील किए, ऑपोजिशन ने बैक किया। हमारे देश की सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म 70 साल में, जो कि 300 से 300 मिलियन लोगों को अफेक्ट करता है, ऑपोजिशन इज मेस्ड अप। वो तीन फार्म लॉस थे। एक था कि आप मंडीज को चॉइस देंगे, दूसरा था कि फार्मर्स को चॉइस देंगे कि किसी भी मंडी में जाके बेचिए प्राइवेट या डिस्ट्रिक्ट, दूसरा था आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटाएंगे ताकि आप बड़े बड़े गोडाउन बना सकें, होल्डिंग नहीं स्टोरेज कर सके, तीसरा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये तीनों हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देते। ये ऐसा रिफॉर्म नहीं है कि जो 5-10 मिलियन था तो कांग्रेस ने ओके कर दिया। कई छोटे देशों की पॉपुलेशन से आप वापस लेके आए, रिपील किया। न्यूजीलैंड में मैं क्यों रहता हूँ, इन्होंने क्यों कहा, उसके पीछे एक स्टोरी हो, हम वो बाद में आएगा। हाँ ठीक है, मतलब आप न्यूजीलैंड की बहुत जानी मानी हस्ती हैं। देखिए, 10 मिलियन पॉपुलेशन को रिफॉर्म अफेक्ट कर रहा है, अच्छी बात है। यहाँ 300 मिलियन को अफेक्ट कर रहा था। 300 मिलियन हमारे देश का नया नक्श बदल देता। देखा, आपको पता था, पहले बोली थी 10-15 years। That would have really... Problem was, जैसे ये फार्म लॉज आए, सब लोगों ने कहा राहुल गांधी चढ़ गए, इधर उधर हाईवेज रोको, ब्लॉक करो, ये करो, एक साल तक ब्लॉक किया, काले लॉज है। वर्बेटिम ये तीनों फार्म लॉज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थे। वही तो, अब बताइए। 19 वाले में भी हटा दिए क्योंकि अब ऑब्वियसली अब तो नहीं ला सकते, तब ये थे, उन्होंने तो बल्कि और ज्यादा कहा था मोदी ने चॉइस दी कि आप सरकारी मंडी में बेचिए अपना या प्राइवेट मंडी, उन्होंने कहा था हम सरकारी मंडी हटा देंगे, कांग्रेस ने कहा था। देखा, लेकिन मोदी ने हटाई, चॉइस दी, तो ये लोग। तो अब वही है, देश आगे कब बढ़ेगा जब लोगों को ये, और ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको देख रहा है, सरकार का ये रोल है ही नहीं। इट इज नन ऑफ द गवर्नमेंट्स कंसर्न। क्यों लगे हुए उसमें भाई? आप बिजनेस नहीं चला सकते, आप इंसेंटिव वर्क रिलेटेड काम नहीं कर सकते। तो सर, अगर फार्म लॉज इतने ही सही थे, yes. और आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट किया, एंटी नेशनल एक्ट है, मैं मोदी जी को एंटी नेशनल कह रहा हूँ।
इस फार्म लॉस को वापस लेने क्या कहते मोदी जी को तो मजबूरी हुई पिटाई इनकी पिटाई करिएगा जो ट्रोलिंग होगी मेरी ज्यादा मत करिएगा नहीं क्योंकि अगर ये सही में अच्छे थे फार्म लॉस और सही थे या फिर रिवर्टिंग वाज इंटरनेशनल तो वो जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स हैं या फिर वो जर्नलिस्ट जो बाकी जर्नलिस्ट को गोदी मीडिया बोलते हैं उन्होंने इस पर खुलकर ये क्यों नहीं बताया कि भैया आपको यही नेता कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि बात सरकारें तो आती जाती रहेंगी कभी वो आएगा कभी वो आएगा लेकिन जो किसान है जो आज इतनी मेहनत करके इतना काम करके उसकी संपत्ति इतनी बनती है तो उसके तो फायदे की चीज थी तो उन लोगों को सच बोलना चाहिए था उन फैक्ट चेकर्स को तो वो धंधा कर रहे हैं ना सब धंधा वो बिचौलिए हैं जैसे ये फार्मर्स के अरहतियाज थे ये मीडिया में भी बिचौलिए बैठे हैं लोगों को गोदी मीडिया वी स्पीक ट्रूथ टू पावर अरे भाई क्या मोदी पावर में है दीदी पावर में नहीं है केजरीवाल पावर में नहीं है बाकी सारे जो साउथ में स्टालिन पावर में नहीं है जो दिन दहाड़े रात रात को उठा उठा के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं जो कि डेमोक्रेसी खुद कांग्रेस कह रही है डेमोक्रेसी मर चुकी है बंगाल में तो दीदी के बारे में कुछ बोलो नहीं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ आपने फार्म लॉस का एग्जांपल लिया जितने लोग ये यूट्यूब पे हैं यूट्यूबर जिसे कहते हैं इनको ये दिख नहीं रहा था कि देश हित में क्या है कांग्रेस ने कितना बोली थी कितना लोगों ने बेकार तब वो काले फार्म लॉस कांग्रेस के प्रोमिस से तब तक काले फार्म लॉस नहीं थे तो ये दिखाता है इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना ली है मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जी सॉरी नहीं नहीं बहुत टाइम बिल्कुल पास आ गया और ये फैक्ट चेकिंग से भी रिलेटेड है सारे एजेंडा इसे एजेंडा धारी कहते हैं सारे एजेंडा धारी बैठे हैं सब पैसा कमा रहे हैं ठीक है आप पैसा कमा रहे हैं आप कमाओ उसमें कोई लेकिन देश को मत कहो यू नो ये मत कहो कि हम मॉरली और एथिकली अपराइट है आप पैसा कमा रहे हैं ये समझ लो आप दुनिया पागल नहीं है कि दो नहीं ये समझेगी नहीं एक यूपीएससी की कोचिंग करते हैं दिव्य कृति दिव्य कार्ती कुछ है कोच है विकास दिव्य कृति जी 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 उन्होंने कोई ऐसा श्लोक बताया किसी रामायण से जो कि बहुत ही अश्लील सा था कि राम ने ये कहा था देखी थी शायद मैंने वीडियो बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी सुना था याद आ रहा है उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैंने ग्रंथ से लिया है लेकिन उसके बावजूद उन पे FIR हो गए बहुत चला आपको पता है ट्रोलिंग हुई थी उनकी बहुत ज्यादा चला था अरेस्ट के लिए वॉरंट जो भी थे FIR वगैरह तो एक है दल्लन टॉप सॉरी दी लल्लन टॉप दी लल्लन टॉप सौरभ इज अ वेरी गुड फ्रेंड अब शायद रहे ना रहे वो अलग बात है तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया बुलाया था और उस प्रोग्राम में उन्होंने ये दिव्य कृति जी को बुलाया था ग्रंथ फ्रंथ सारे लाए और मुझे याद है ये भी उनके सामने वो पढ़ा कैमरे पे है ये सारा और उन्होंने दिखाया कि ये देखिए ये वाल्मीकि रामायण किसी रामायण में यही लिखा हुआ है मैंने वही कहा तब जाके वो बचे तब जाके FIR वगैरह हटे उन पे या जो भी था लोगों समझ में आया भाई ये तो कोर्ट कर रहे हैं ऑल वेल एंड गुड अब तक मुझे ये समझ में नहीं आता कि यही चीज सौरभ और लल्लन टॉप ने नुपुर के टाइम पे क्यों नहीं की थी तो। नुपुर ने भी तो हदीद कोर्ट किए थे तो नुपुर को बुलाते हदीद उठाते और वो पढ़ते और देखते भाई ये तो वहीं से कोट हो रहा है वो नहीं करेंगे क्यों क्योंकि चार नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितना इनकी फटती है करेक्ट इसको आप बीप करें या प्रोग्राम सॉरी नहीं आपने दूध फोड़ के क्या किया आपने दूध ही फाड़ा है हाँ एग्जैक्टली तो ये सब लोगों का ये धंधा चल रहा है प्लीज ट्राई अब देखा? ये वो एक और फैक्ट चेकर भी है ऑल्ट न्यूज है जो भी है यू नो सेम वो आइसिस ब्राइड या कुछ भी कह लीजिए उसको कौन है उसका काम है फैक्ट चेक करना ही इज उसकी कमाई होती है फैक्ट चेक से मैं उसको ये चैलेंज दे चुका हूँ कि वो महीने में 12 लाख की डोनेशन मांगता है तो साल का 1.5 करोड़ हो गया मैंने कहा मैं खुद 1.5 करोड़ दूंगा तुम्हें आप इस नुपुर ने जो कोर्ट किया था अधीत उसको फैक्ट चेक कर लो सच है कि नहीं है पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं किया 4 महीने हो गए उसका काम है फैक्ट चेक करना कौन है ये डर का माहौल नहीं है ये डर का माहौल है तो ये किस बेसिस पे अपने आप को मॉरली और एथिकली राइट कह रहे हो यू नो जब आपकी तो यू आर डूइंग अ बिजनेस सीधे आके सब पैसा कमाने बैठे हैं कोई मैं बायस्ड हूं मैं धंधा कर रहा हूं धंधा तो करो धंधा रोका किसने है भाई सब लोग कर रहे हैं अपने आप को उस पहुंचे पे मत पहुंचाओ कि मैं तुम सबसे बड़ा हूं और बाकी सारे गोदी में करप्ट हूं पैसा कमा रहा हूं होलियर देन थाउ नहीं तुम वो नहीं ऐसे न्यूज़ वाले भी कर रहे हैं और मैं जो अपना मसाला लगा के न्यूज़ दिखाते हैं बिजनेस में क्यों हो और लोग सोचते हैं कि बड़े चौधरी हैं और आप उनको डायरेक्ट भी बोल सकते हो यहाँ पे आप बोल रहे हो आप डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ लेकिन अब बोल रहा हूँ क्योंकि ये मीडियम है वो समझे डायरेक्ट बोलूंगा तो शायद उनको डीएम करूंगा यहाँ पे लोग उनको डीएम करें कि भाई ये जो आनंद कह रहे थे वो प्लीज नहीं लोगों को भी अवेयरनेस लानी पड़े करने के लिए इम्पोर्टेंट है बोलना जर्नलिस्ट आप बने हुए हैं
पर्दाफाश करने के लिए बने, अनबायस्ड बने. सो स्टिल आई इम्प्लोर यू, गेट नुपुर, गेट द हदीस, जस्ट लाइक व्हाट यू डिड विद दिव्य कीर्ति, डू इट विद नुपुर, सेव योर रेपुटेशन. आई विल बी द फर्स्ट वन टू अप्लॉड यू सौरभ फ्रॉम द लल्लन टॉप, डू इट. वेरी गुड. अगर आप रीजनल मीडिया में जाएं, तमिलनाडु में जाएं, बंगाल में जाएं, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया धंधा कर रहा है वहां पे. अब एक टेलीग्राफ ने न्यूज़पेपर है, डिबेट एक करी थी कोलकाता में, होलियर देन थाउ अपने आप को प्रोजेक्ट कर, टेलीग्राफ डिबेट ये वो कि भाई हम तो सच बोलते हैं ये हैं वो हैं. पूरे लैप डॉग्स हैं तृणमूल के पूरे फोई न्यूज हाईलाइट करते हैं, जो कि एंटी बीजेपी हो, जो कि बीजेपी कर रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है. अभी केजरीवाल को देख लीजिए, दिन दहाड़े अभी एक कैसे देख लें, जेल में होगा. नहीं, करेक्शन, उनकी आत्मा जेल में है, वो जेल में नहीं है, प्लीज. और कल से वो जो ये आम और सब बालूशाही और गुलाब जामुन खा रहे हैं, बट सर ये आत्मा खा रही है, प्लीज. ये सीधा पब्लिक डोमेन में डालना सर सही बात नहीं है ना, भगवान माफ नहीं करेगा आपको. भगवान उन्हीं का मीम है, भगवान माफ नहीं करेगा. मैं उनके बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं उनको कूटने सर. बहुत ही गर्म शुरुआत हो चुकी है इस पॉडकास्ट के बच्चों के साथ. एग्जांपल दे रहे थे. हाँ, तो अभी वो शीश महल पे पूरी कंट्रोवर्सी चली थी, 50 करोड़ का उन्होंने, जब कोविड का प्रकोप चल रहा था, जब लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, दिल्ली वाले मर रहे थे डेल्टा वेव में, केजरीवाल जी अपना 50 करोड़ खर्च करके अपना शीश महल बना रहे थे, वो भी गवर्नमेंट के घर को, 3 लाख का वेस्टर्न कमोड बना रहे थे, जो कि मुझे पता नहीं क्यों जरूरत है उनको, हो सकती है जरूरत पता नहीं, वो गाने गाता उस पे बैठने के लिए. जिस रिपोर्टर ने ये डिस्क्लोज किया, उसको पंजाब में जाके अरेस्ट कर लिया, पुलिस वहां पे उसी को किया था, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला. ये तेजेंद्र बग्गा हैं, इनको पकड़ने के लिए इन्होंने कुछ कहा था कि 100 लोगों को मरना पड़ेगा जब केजरीवाल जैसा कोई डिसऑनेस्ट आदमी पैदा होगा. ठीक है, तो केजरीवाल के आप लोगों ने कहा माफी मांगो, तो बग्गा ने कहा हाँ मैं माफी मांगता हूँ, मैंने कहा था 100 लोगों को मरना होगा केजरीवाल, एक्चुअली 1000 लोगों को मरना तो है ना, बग्गा तो बग्गा ही रहेगा. तो रातों रात पुलिस आ गई, दिल्ली से उनको उठा के ले जा रही थी, हरियाणा पुलिस ने रोका. इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, डेमोक्रेसी खतरे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई, ये संदेश खाली में डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आएगी रौनक जी, जब हाई कोर्ट कहेगा कि ये जो शाहजहां शेख है, ये बंगाल पुलिस इसको बचा रही है, इसको सीबीआई को दो, तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है. डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है जब 20,000 पंचायत इलेक्शन की सीट्स जो है वो अनकंटेस्टेड चली जाती हैं, इतना डर का माहौल है. लेकिन डेमोक्रेसी खतरे में आती है जब बीजेपी आती है, मोदी आता है. ये लोग नहीं देख रहे क्या, मतलब लोग बार बार मोदी को क्यों वोट नहीं देखते, दिख रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, प्रेस फ्रीडम खतरे में, ये सब के लिए ये इसको बांधो, पीछे टांगो और चलते बनो. पर आंसर क्या ये भी टोटली इस बात को रिजेक्ट किया जाएगा कि आज की मीडिया पर प्रेशर है कि गवर्नमेंट से जुड़ी खबरें ना दिखाएं, आपको कितना सही लगता है ये कि मतलब दबाव में है सरकार, उनके खिलाफ भी कोई केस खोलेगी या उनके ऊपर दबाव है कि सरकार के फेवर में दिखाएं, क्योंकि धंधा तो वो भी कर रहे हैं 100%. तो जैसे आप और हम बात कर रहे हैं एक दो लोगों का नाम लेकर, उनके पास 100 एग्जाम्पल्स होंगे जैसे वो बोलेंगे कि भैया फला न्यूज एंकर है जो ये करता है ये करती है. बिल्कुल बिल्कुल है. और आप तो मोदी को क्रिटिसाइज करते हो, ये लोग तो क्रिटिसाइज भी नहीं करते. देखिए एक चीज होती है डर, एक चीज होती है कि आप जानते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं जो आपको ये कहना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं करते हैं. इट इज कॉल्ड, उसका हिंदी होता है सेल्फ सेंसरशिप. बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी मीडिया में हैं, माहौल जब बदला है 2014 के बाद, दे आर सेल्फ सेंसरिंग देमसेल्फ्स, इट्स ट्रू. सम ऑफ देम आर प्रोजेक्टिंग द सरकार इन अ गुड लाइट, दैट इज ऑल्सो ट्रू. माई कंटेंशन इज वॉट हैज चेंज्ड, द प्रॉब्लम इज द अदर साइड और लेफ्ट इज कह रहे हैं कि ये 2014 के बाद ये सब हुआ है. नंबर वन, ये शुरू से होता आ रहा है. बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में डिक्टेटर हुए, स्टालिन, माओ, नेहरू, ये उस टाइम से, सॉरी झटका लगा कि नेहरू को मैंने इंक्लूड कर दिया. हाँ, मैं रोकने ही वाला था कि आप खुद रुक गए. इस पर मैं आऊंगा, इस पे बाद में आएंगे. सवाल है मेरा नहीं है, 70 साल से चला आ रहा है, अभी भी ये स्टेट्स में चला आ रहा है. जो आपकी एजेंसीज कंट्रोल में है वो स्टेट एजेंसीज भी कंट्रोल कर रही है. मैंने आपको केजरीवाल का एग्जाम्पल दिया, ममता का एग्जाम्पल, तमिलनाडु में ले लीजिए एग्जाम्पल, हर जगह. तो भाई आप उसको सिलेक्टिवली प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हो कि सिर्फ मोदी सरकार. मैं तो ये कब से कहता आ रहा हूं कि वी
डेमोक्रेसी इज इन डेंजर एवर सिंस वी बिकेम अ डेमोक्रेसी. वी आर अ बनाना रिपब्लिक एवर सिंस वी बिकेम अ रिपब्लिक बिकॉज़ वी हैव लॉज दैट सैंक्शन दिस. दैट इज हाउ डेमोक्रेसी इज. आप इसका एग्जांपल ले लीजिए. अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, मैं उसके अगेंस्ट था, सुप्रीम कोर्ट भी अगेंस्ट था, इट स्ट्रक इट ऑफ. ठीक है, एनोनिमस. व्हाई कांट द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक ऑफ द फैक्ट दैट आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर अंडर द बेक एंड कॉल ऑफ द गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट का इनको इंडिपेंडेंट बनाओ, किया अभी तक नहीं किया. तो ये किसकी गलती है? सरकार कहे कि भाई जब तक ये हमारे वश में है हम इनको यूज करेंगे. कांग्रेस यूज करती आ रही थी, बीजेपी अभी यूज कर रही है. वॉट हैज चेंज्ड? जब तक आप, अगर आप हमेशा सिलेक्टिव रहेंगे, मोदी को ब्लेम करते रहेंगे, तो ये चीजें चेंज नहीं होने वाली हैं. यू हैव टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड आई से इट वेरी रिस्पॉन्सिबली. जो ये लोग कहते हैं हाय हाय मोदी आ जाएगा इस बार तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर, अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी चेंज्ड. आप लोग चेंज नहीं करवाना चाहते कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मोदी को हेट करते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू यूज द सेम ड्रैकोनियन लॉज जो कि कांग्रेस यूज कर रही थी, जो मोदी यूज कर रहा है, आप फिर यूज करेंगे. वो अगर आप यूज ना कर पाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज होना जरूरी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आनी जरूरी है. ये लोग नहीं बताएंगे बिकॉज ये सिलेक्टिव है. पर सवाल अभी भी वही है कि मीडिया का एक सेक्शन है जो अगर मोदी की गलती भी है तो उन पर इल्जाम लगता है कि वो नहीं दिखाता, उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करता, वैसी चर्चा नहीं करता जैसी शायद हो सकता है केजरीवाल पे कर रहे हो, राहुल गांधी पे कर रहे हो, या समाजवादी पार्टी के किसी छोटे नेता पे कर दें. पर आप कोई बड़ी चीज हो जाती है जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें, तो आपको लगता है कि उन पर प्रेशर है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गवर्नमेंट का प्रेशर है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. आई वुड से यस बट द पॉइंट इज, जैसे मैंने सेल्फ सेंसरशिप का भी लिया, प्रेशर नहीं, एक चीज होती है कि सरकार आप पे प्रेशर डाले. आई थिंक ऑफकोर्स होगा, सरकार भी डालती है, तीन चार मैकेनिज्म से डालती है. आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स की एड्स देती है सरकार, हर जगह, हर पार्टी को देती है. केजरीवाल के तो वो न्यूज में आ गया था कि आई थिंक हिंदुस्तान टाइम्स के एक वो थे, उन्होंने केजरीवाल सरकार को क्रिटिसाइज किया, उनकी एड उनको व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया, उनकी एड फंडिंग बंद कर दी. तो एक ये मैकेनिज्म है कि आप एड्स बंद कर देते हैं. ये कॉर्पोरेट्स भी करते हैं. आई थिंक ओपन मैगजीन या आउटलुक थी जिन्होंने जब राडिया गेट किया था और उसमें रतन टाटा जी का नाम आया था राडिया की कॉन्वर्सेशन, रतन टाटा ग्रुप कंपनीज ने एड्स हटा दिए थे इन मैगजीन से. तो ये तो एवरीवन डज इट. ठीक है, मजेदार है. और मुझे, मैं तो वेट करूँ कब बताते हैं भैया नेहरू की डिक्टेटर है, वो देखते हैं कब आता है, क्योंकि वो मुझे इंटरेस्टिंग है कि मेरे को पता करना है कि किस एंगल से. एक बात देखने वाली होती है कि चाइना जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है. तो जो शी जिनपिंग है और उससे पहले वाला जो बंदा था, दोनों आप कह सकते हैं वे डिक्टेटर्स थे. उसकी वजह से मतलब ये था कि ऑपोजिशन नहीं था कोई जो डीरेल करने के लिए देश की प्रोग्रेस को, क्योंकि ऑपोजिशन का काम होता है इन रियलिटी हेल्प करना देश को. मगर सभी कंट्रीज जहाँ डेमोक्रेसी है, ऑपोजिशन टोटली ऑपोजिट करता है जो मेन पार्टी कहती है. वो देश हित नहीं देखता, ये कहने का मतलब उसको ये है कि उसको लड़ाई झगड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन देश. मैं पावर में आऊं किसी तरह से. हर जगह ऑपोजिशन जो है नेगेटिव बातें निकालेगा और कुछ ऐसे भी नेगेटिव बातें करेगा जो उसको पता है कि देश का लॉस होगा, मगर जीतने के लिए अपना पॉइंट बनाने के लिए नेगेटिव करेगा, जैसे फार्म लॉस का हुआ था. फार्मर्स का जो लॉ था वो, और कितना हम उसको सपोर्ट कर रहे थे, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, तो कितने उस टाइम वीडियोस देखना, क्या क्या कमेंट आते थे, वाह फार्मर्स जो होते हैं उनके खिलाफ फलाना ठका. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेमोक्रेसी हटानी है, मगर ये एक रीजन ये भी था कि चाइना तेज से आगे बढ़ा था क्योंकि उसके पास ऑपोजिशन नहीं थी डुबाने के लिए. जबकि अब फ्रीडम ऑफ जो भी है, फ्रीडम ऑफ पीपल खतरे में है उनके. तो एक रीजन जो चाइना का डूबने का ये भी है कि उनके पास डेमोक्रेसी नहीं है. वही तो प्लस भी है, नेगेटिव भी होता है. ये है कि हम खुशनसीब है कि हमारी डेमोक्रेसी है, पर अच्छी तरह चल रहा है. ये ऑपोजिशन इंडिया की थोड़ी नेगेटिव है, बड़ी घटिया, और देश को डुबा रही है. प्रॉब्लम ये है, बहुत घटिया ऑपोजिशन है, उसकी वजह से जो देश का प्रोग्रेस है वो स्लो हो रही है. अगर ये ऑपोजिशन ना हो ना, तो जिस स्पीड से अभी बीजेपी के अंदर, मोदी जी के अंदर प्रोग्रेस हो रही है, उस डबल, आराम से डबल हो जाए. तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.